मत बात है, ऐसे बैठे हैं हमारी माता है बहने और भाई बंधु, जब लगा तो वजीफा लेने आए हैं। ऐसे नहीं, जो लोग बाबा चारवीर के दरबार में कोई अगर भीख मांगता है तो हाथ फैला करके भीख मांगता है, यद बाबा चारवीर के दरबार में आया एक बार सभी लोग ऊंचे ऊंचे हाथ उठा करके बाबा चारवीर के दरबार में अर्जी लगाते हुए चलेंगे। और वो भैया हाथ नहीं उठाएंगे जिनकी सर्टन के बगल फटी हुई, हाँ, और सभी लोग हाथ उठाते हुए चलेंगे। कहा भी गया है गुरुदेव जी, साइकिल में प्याली का, बर्तन में थाली का, और खेत में क्यारी का, घर में घरवाली का, ससुराल में साली का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसीलिए बाबा चारवीर के भजन में तालियों का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। जो लोग तालियां नहीं बजाते हैं उनके लिए मैंने भजन लिखा है, अरे चौरासी को चरखा चले, अरे चौरासी को चरखा चले, बंद छुड़ावे जहरिया, चौरासी को चरखा चले, काहे चौरासी को चरखा चले बंद छुड़ावे जहरिया। इस 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक मानुष तन की प्राप्ति होती है, उसमें भी भगवान का नाम ना लो, भगवान की भजन में तालियां ना बजाओ, तो इससे ज्यादा कंजूसी क्या हो सकती है। और वैसे भी तुलसीदास जी ने लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये मानव का तन है, बहुत ही श्रेष्ठ बताया गया है। यहाँ ये क्यों नहीं लिख दिया बड़े भाग हाथी तन पावा, क्योंकि हाथी का तन तो बहुत बड़ा विशाल होता है, फिर भी मानव का तन बहुत श्रेष्ठ बताया गया है, और इसीलिए कोई नाम भी नहीं ले रहा है, सभी लोग बोलते हुए चलेंगे, अरे चौरासी को चरखा चले बंद छुड़ावे जहरिया, अरे ले ले भैया हरि नाम को, ले ले भैया हरि नाम को, हरे गुण गाए ले सावरिया, चौरासी को चरखा चले बंद छुड़ावे जहरिया। और क्या लिखा है, अरे जब यमराज लेन को आवे गले मिटारे साकरिया, जब यमराज, किन किन लोगों को यमराज जी से बचना है, क्योंकि जो भगवान का नाम लेता है वो भगवान स्वयं लेने के लिए आते हैं, और जो नाम नहीं लेता है उन्हें तो जाना ही है यमराज जी के साथ में। इसीलिए एक बार दिखा दो हाथ, राजापुर में कोई रहते हैं, सभी लोग ऊंचे ऊंचे हाथ उठा करके माताएं बहने बोलती हुई चलेगी,